नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। एमएलसी चुनाव में शत प्रतिशत मतदान हुआ, चारों धाम मिश्रा की रिपोर्ट। स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले विधान पार्षद के मतदान स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा सभी 163 मत डाला गया। इस तरह मतदान दावत प्रखंड में शत प्रतिशत हुआ। मतदान की जानकारी देते हुए दावत प्रखंड में नियुक्त किए गए पीसी राम प्रवेश राम ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा सभी मतदान डाला गया। गर्मी के मौसम के चलते सुबह में ही अधिक लोगों के द्वारा मतदान केंद्र पर आकर अपने मत का प्रयोग किया गया। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि प्रखंड कार्यालय में मतदान केंद्र बना हुआ था। प्रखंड में कुल 163 मतदाता हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक किया जा गया। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। पीठासीन पदाधिकारी चेनारी बीडीओ सुनील कुमार थे। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। मतदाता अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र व एक फोटोयुक्त प्रमाण पत्र आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र अथवा ऐसा ही कोई व्यक्तिगत पहचान पत्र साथ लेकर आए थे। प्रखंड कैंपस के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू था। मतदान देने के लिए आए हैं, कैसे क्या उम्मीदें हैं मतदान अगर आप देंगे तो जिसको आप वोट कर रही हैं क्या उम्मीद जता रही हैं? किसी के दबाव प्रेशर में तो मतदान नहीं कर रही। आपका परिचय? ललिता कुमारी मुखिया है जी। इस पंचायत गीधा पंचायत। अच्छा, अब जैसे आप लोग भी जनप्रतिनिधि हैं और ये जनप्रतिनिधि लोग के द्वारा ही वोटिंग किया जाता है और वोटिंग जो आप लोग की सुख सुविधा है उसके लिए की जाती है, क्या मांग होगी हमारी जनता के लिए? मतलब जो बहुत से लोगों का कहना है कि वो लोग जीत जाते हैं तो 2-3 पेंशन मिलता है, लेकिन आप लोगों को कोई जीतने के बाद पेंशन नहीं मिलता है। पेंशन की मांग करेंगे आप? जाइए। इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो है महिला मतदाता जो कि पदों पर निर्वाचित हो गई हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं। लाइन लगवाइए ना, लाइन में लगवाइए ना। अच्छा, हो गई। जय 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 पढ़ी। अब क्या नाम है आपका? किस पद पे आप हैं? कहाँ से? नगर पंचायत से हैं आप? मतदान कर दिए हैं चुनाव का भी? क्या उम्मीद रखती हैं आप एमएलसी लोग से? एमएलसी लोग से ये उम्मीद है कि उन लोग को पेंशन मिलता है, हमको नहीं मिलता है। मतलब पंचायत प्रतिनिधि को पेंशन मिलना चाहिए। हाँ।